अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्स। आईटी फैक्ट्स में आज हम डिस्कस करते हैं एमएस वर्ड में यूज़ होने वाले शॉर्टकट कीज की। हमने लास्ट वीडियो में मूव अराउंड इन अ डायलॉग बॉक्स तक के शॉर्टकट कीज को यहाँ तक यूज़ किया था। आज हम नेक्स्ट शॉर्टकट कीज को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर परफॉर्म द एक्शन असाइन टू द डिफॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट बटन को जो एक्शन असाइन करने के असाइन किया गया होता है परफॉर्म करने के लिए, अगर हम वो परफॉर्म करना ऐसा कर परफॉर्म द एक्शन असाइंड टू डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स, तो आपको इसके लिए इंटर का बटन प्रेस करना पड़ता है। याद रहे, ये जो शॉर्टकट की मैं बता रही हूँ, ये डायलॉग बॉक्स के अराउंड मूव करवाने के लिए बता रही हूँ। सेलेक्टेड एज लिस्ट को क्लोज करने के लिए ESC का बटन प्रेस किया जाता है। कैंसल द कमांड, कमांड को कैंसिल करने के लिए एंड डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए ESC का बटन प्रेस किया जाता है। इन द सेलेक्टेड लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट में मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करवाने के लिए स्टार्ट विद द लेटर यू टाइप, जो लेटर आपने टाइप किए उससे स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन में मूव कराने के लिए सिलेक्टेड लिस्ट में आप लेटर की यूज़ करते हैं। उसके बाद है मूव टू द प्रीवियस ऑप्शन और ऑप्शन ग्रुप। प्रीवियस ऑप्शन को मैं मूव की तरफ मूव करवाने के लिए या ऑप्शन ग्रुप की तरफ मूव करवाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस किया जाता है। परफॉर्म द एक्शन असाइन टू द सेलेक्टेड बटन, सेलेक्टेड बटन को जो एक्शन असाइन किया गया होता है उसको परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट क्लियर द चेक बॉक्स, सेलेक्ट क्लियर द चेक बॉक्स को क्लियर करने के लिए स्पेस बार का बटन प्रेस किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करवाने के लिए और ऑप्शन ग्रुप में मूव करवाने के लिए टैब का बटन प्रेस किया जाता है। मूव अराउंड इन आर टेबल, अब टेबल के अंदर मूव करने के लिए हम कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं। ब्राउज़र थ्रो आर डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र थ्रो आर डॉक्यूमेंट के लिए आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम का बटन प्रेस किया जाता है। रिपीट फाइंड आफ्टर क्लोजिंग फाइंड ऑप्शन एंड रीप्लेस विंडो, फाइंड ऑप्शन एंड रीप्लेस विंडो को क्लोज करने के बाद रिपीट फाइंड को यूज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस वाई का बटन प्रेस किया जाता है। गो बैक टू अ पेज, एक पेज के बैक पर जाने के लिए, बुक मार्क पर जाने के लिए फुट नोट, टेबल, कमेंट, ग्राफिक और अदर लोकेशन पर जाने के लिए आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी का बटन प्रेस किया जाता है। लास्ट सेल इन रॉ के लिए, लास्ट सेल इन रॉ के लिए आर्ट प्लस एंड का बटन सेलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट सेल इन रॉ के लिए यानी रॉ में जो फर्स्ट सेल होता है वहां तक जाने के लिए आर्ट प्लस होम का बटन प्रेस किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बटन जो है मूव अराउंड इन टेबल, यानी टेबल जब हम एमएस वर्ड में यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जब शॉर्टकट कीज यूज़ की जाती हैं वो ये वाली हैं। उसके बाद है लास्ट कॉलम, सेल इन अ कॉलम, एक कॉलम में जो लास्ट सेल होता है उसके लिए आर्ट प्लस पेज डाउन का बटन सेलेक्ट किया प्रेस किया जाता है। फर्स्ट सेल इन कॉलम के लिए आल्ट प्लस पेज अप का बटन प्रेस किया जाता है। रिमूव डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी का बटन प्रेस किया जाता है। स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करने के लिए आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस का बटन प्रेस किया जाता है। टैब कैरेक्टर इन अ सेल, सेल में टैब कैरेक्टर के लिए कंट्रोल प्लस टैब का बटन प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट रो के लिए डाउन एरो का बटन प्रेस किया जाता है। न्यू पैराग्राफ इन सेल के लिए एंटर का बटन प्रेस किया जाता है। प्रीवियस सेल इन रो, रो में प्रीवियस सेल के लिए शिफ्ट प्लस टैब का बटन प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट सेल इन अ रो के लिए टैब का बटन प्रेस किया जाता है और प्रीवियस रो के लिए अप
एरो का बटन प्रेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्टकट कीज को यूज करके एमएस वर्ड में टेबल पर वर्किंग की जा सकती है। देन यहाँ पर डायलॉग बॉक्स की शॉर्ट कीज मौजूद हैं। देन हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारी शॉर्टकट कीज को डिस्कस किया है। अगर आपको एमएस वर्ड में यूज होने वाली कंप्लीट शॉर्टकट कीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको इन तमाम के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं एंड देन अपनी शॉर्टकट कीज़ को सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप अपनी शॉर्टकट कीज़ को जब यहाँ से देखते हैं, समझते हैं, तो एमएस वर्ड में जाकर इनको प्रैक्टिकली यूज़ किया करें। जब आप शॉर्टकट कीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो आपको उनकी ज़्यादा समझ आती है एंड आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जब तक आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते, आपको सीखने में आपको दिक्कत पेश आती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से जब शॉर्टकट कीज़ को देख, आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, आपके सामने शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं, तो आपके लिए अब ज़रूरी ये है कि आप इन शॉर्टकट कीज़ को यहाँ से सीखने के बाद अपने एमएस वर्ड में इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें ताकि आपको ये याद रहें और बेहतरीन तरीके से आप इनको अपने प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें।